सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? आई होप सब लोग बढ़िया हो। और हम इधर उधर टेस्टिंग करते करते भाई एक ओल्ड पोकेमॉन का बेस पिन मेरा हाथ लग गया, तो लेट्स गो शुरू करते हैं। I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on. तो गाइस, ए ओल्ड पोकेमॉन का नेम है गार्चॉम और जापानीज में नेम है गाबरियास। क्या ही नाम है। चलो कोई बात नहीं, देखो भाई, ये गार्चॉम को पोकेमॉन यूनाइट में इस मेटा में हिडन बाप मिला है जो सबको पता नहीं है। हाँ, बहुत सारे पोकेमॉन है जिसको हिडन बाप मिला है इस मेटा में और वो उधर में मेंशन नहीं किया है, और इसी के अंदर से गार्चॉम एक है। और देखो, इसका बेस्ट बिल्ड वीडियो में पूरा मिल ही जाएगा। और भाई, इस वक्त हम बेस्ट एम्बलेंस भी डाल दिए, बस हम इसका रिकमेंडेड बिल्ड ट्राई किया है। और भाई, इसका बेस्ट मूवसेट के बारे में बताया जाए तो भाई, ड्रैगन रास और क्लॉक का जमाना चल गया, अभी डीक और आग को एक लेके खेलो, ओ उपी तरीके से बाप में है। लगेगा कभी कभी वन शॉट लग रहा है। इसका 5 स्ट्रॉन्ग बेस शॉट बेसिक में है, समझ रहे हो, 5 है। अगर देख रहे हो मैच में स्पियन खड़ा है तुम्हारा सामने, दूर में है तो उसको दूर में ही रहने दो, उसका पास जाके छेड़ो मत, तो दूर ही रहो। देखो भाई, पास में जाओगे तो पहले तो बंदा शॉक देगा दूर से, उसके बाद बीम चलेगा, उसके बाद एक बेसिक मार देगा, बस खत्म। एक ही पोकेमॉन है जिसको दूर में है तो दूर ही रहने देना भाई, और अगर पास में रहो तो दबाते रहो, खत्म हो जाएगा एकदम से, छोड़ना नहीं है। पास में रहोगे तो एकदम साथ साथ। नेक्स्ट, इसका यूनाइटेड मूव के बारे में बताते हैं। भाई जबरदस्त है भाई इसका यूनाइटेड मूव, इसका यूनाइटेड मूव वन शॉट है भाई, और भाई डैमेज तो 4-5 को आधा को दे ही देते हैं आराम से। उसके बाद तो डी कार्ड को एक तो है ही, उसके बाद बेसिक अटैक भी है आराम से। इसका मूव 3-4 स्टेक कर ही देते है भाई, 5 स्टेक नहीं होता है। अभी एक क्लॉक पोकेमॉन यूनाइटेड में पूरा बदनाम करके रखा है भाई, जिसका जो भी क्लॉक का मूव सेट है पूरा बदनाम है भाई। देखो, और एक बात ध्यान में रखना है भाई, अगर अपोनेंट में समझ लो 2 लेवल है तो तुमको 4 लेवल करना ही पड़ेगा, मतलब अपोनेंट से 2 कदम आगे। और ये तो सोलो रैंक पुशर के लिए 5 मिनट में तो 13 लेवल पहुंच ही जाता है भाई। देखो भाई, सोलो रैंक पुशर के लिए ये पोकेमॉन 60K का एवरेज डैमेज निकाल ही लेगा, और अगर टीम के साथ खेलोगे ना 1,00,000 का ऊपर डैमेज रहेगा ही रहेगा। और भाई, इसके साथ एक बार कॉम्ब से लग गया ना, क्या ही दवाई बचाते है मैच में। तो गाइस, हम बोले तो ट्राई करो इस बिल्ड के साथ, एक मैच में कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 मैच खेलो, उसका बाद समझ में आएगा एक क्या बिल्ड है। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, टाट। But I've known you too long, it hurts to watch your blue